दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, जब से लॉकडाउन 3.0 के अंदर शराब की दुकानें खुलने के निर्देश आए हैं, उसके बाद से सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक का शराब विक्रय करने का वक्त रखा गया है। और शराब विक्रय करने के वक्त के साथ ही जब सुबह 10 बजे आज शराब की दुकानें खुली हैं, तो लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों के बाहर लग गई। हालत इतने बुरे हो चुके थे कि पुलिस को आकर तमाम व्यवस्थाओं को संभालना पड़ा। कई शराब की दुकानें ऐसी हैं जिनको शराब का जो विक्रेता है उसने तुरंत प्रभाव से अपने शटर को बंद किया और शराब बेचने से मना कर दिया। हालात इस कदर दिखाई दे रहे हैं शराब की दुकान खुलने के साथ ही कि कई जगह पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। एक एक किलोमीटर के दायरे तक लोगों की लाइनें लग चुकी हैं। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो उसके बाद दुकानों के बाहर भीड़ जमा हुई थी, उस भीड़ को संभाला गया। कई जगह पर रंगों के साथ में गोले बनाए गए और तमाम तरीके की जो डिस्टेंसिंग की पालना जो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो अपनाना है, उसको पुलिस के आने के बाद उसको फॉलो किया गया है। तमाम अजमेर के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि सुबह 10 बजे से ही लोग शराब की बोतल लेने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। ये शाम के 6 बजे तक लगेगा। लोगों को एक भय इस वक्त उनके दिलो दिमाग में बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि शराब की दुकान दोबारा से बंद हो जाए लॉकडाउन में और उनको शराब पीने को ना मिले। इसी के चलते कई जो शराब लेने के लिए लोग आए हैं, जब उनसे एनडीटीवी इंडिया की टीम ने बातचीत की है तो उस दौरान उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया है कि उनको दो दो तीन तीन बोतल एक साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अपने आदेश को वापस ले ले और शराब की दुकान बंद हो जाए। तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल के आई है। अजमेर के जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर शराब की दुकान नहीं खुली है, लेकिन अजमेर के निगम सीमा क्षेत्र के अंदर कई दुकानें जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके से बाहर हैं वो दुकानें खुल गई है। कल देर रात तक इसमें संशय बना हुआ था कि क्या आखिरकार निगम क्षेत्र के अंदर शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेगी। तो इसको लेकर जो संशय था, वित्त विभाग और आबकारी का जो आदेश था उस आदेश के मुताबिक निगम क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलनी थी, लेकिन अजमेर प्रशासन की ओर से जो आदेश आया था उसमें कहा गया था कि निगम क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। लेकिन देर रात अजमेर पुलिस प्रशासन ने उसको संशोधित आदेश निकालकर ये स्पष्ट कर दिया कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के बाहर जो निगम की सीमा है वहां पर शराब की दुकानें खुलेंगी। अब तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उस तमाम तरह की गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। अगर कहीं भी कोई भी शराब विक्रेता उस गाइडलाइन को तोड़ता हुआ नजर आता है या शराब लेने वाले जो लोग हैं उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं, तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई होगी। और उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि अभी जो अजमेर सीओ नॉर्थ के जो अधिकारी हैं, अजमेर सीओ नॉर्थ हैं डॉक्टर प्रियंका, वो जिस तरीके से शराब की दुकान के बाहर मौजूद हैं, वहां से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए लोगों को बता रही हैं, और उसके साथ साथ सड़क पर जो आने वाले वाहन हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एमवी एक्ट के तहत उन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं। क्योंकि एक मिथक ये भी शहर के अंदर है कि लॉकडाउन 3.0 के अंदर लोग अपने वाहनों के साथ बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिनको आपात जरूरत महसूस होती है, मेडिकल इमरजेंसी है, केवल वो ही आ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी शख्स इस तरीके से लॉकडाउन 3.0 के नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। शराब की दुकानों पर जो लोग शराब लेने आ रहे हैं उनके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश कि कोई भी अपने वाहन को लेकर नहीं आएगा। अगर कोई भी शराब का जो ग्राहक है शराब खरीदने के लिए शराब विक्रेता के यहाँ पर दुकान पर आता है और वाहन के साथ अगर आता है तो उसके वाहन पर भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अभी जो शराब के विक्रेता हैं उनसे जब हमारी टीम ने बात की है तो उसमें उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि शराब की केवल दो ही बोतल एक ग्राहक को अलाउड है। इसको लेकर भी थोड़ा सा संशय है, लेकिन जिस तरीके का डर लोगों में है तो वो मैक्सिमम शराब की बोतल को ले जाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और जब शराब की दुकानें खुली हैं और भीड़ लगातार दिखाई दी है तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरीके का माहौल तैयार हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानें इस वक्त खोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि
ये सरकार की अर्थव्यवस्था को तो सुधार देंगे, लेकिन जो पारिवारिक अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएंगी और इससे झगड़े बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं। लोग सोशल मीडिया पर कई लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि जो शराब बिक्री का जो फैसला है वो सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत जिस तरीके से लॉकडाउन की पूर्ण पालना करने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन लोग शराब की दुकानों के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को कैसे पता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं है, उसी लिए लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त सरकार के फैसले की निंदा कर रहे हैं और सरकार से दोबारा इस फैसले पर पूछने के लिए विचार करने के लिए कह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सरकार के सामने भी एक बड़ी दिक्कत है इस वक्त, क्योंकि राजस्व कहीं से भी सरकार को नहीं आ रहा है और राजस्व में जो घाटा हो रहा है उस घाटे के मद्देनजर सरकार को मजबूरन ये फैसला भी लेना पड़ा है। खैर, स्थिति किस तरीके से है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त चल रही है, बैठक भी चल रही है, और जिस तरीके के परिणाम नजर आएंगे तो परिणामों को देखते हुए सरकार फैसले भी ले सकती है। उसके साथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के ऊपर अब जिम्मेदारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले केवल लॉकडाउन 3.0 में लोगों को सड़क पे आने वाले लोगों को रोकना पड़ता था, उनको वापस घर भेजना पड़ता था, लेकिन अब जब शराब की बिक्री शुरू हुई है तो लोग कई लोग ऐसे हैं जो वाहनों में आ रहे हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। जी, ये आदेश पारित हुआ था कि नगर निगम के जो क्षेत्र है जो कर्फ्यूग्रस्त नहीं है उनके अंदर लिकर की शॉप्स को एडिशनल जो सेकेंड लॉकडाउन था उसके बियॉन्ड परमिशन दी गई थी, और नगर निगम एरिया के बाहर जो है वो बाकी गतिविधियों के लिए भी परमिशन दी गई है। ये जो एरिया जहाँ पर अपन खड़े हैं वो नगर निगम एरिया में आता, तो यहाँ पर लकड़ की शॉप्स के लिए परमिशन दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और वो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जो बेसिक दिक्कत, क्योंकि आप लोगों के थ्रू मैं बोल सकती हूँ पब्लिक से, जो बेसिक दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो व्हीकल के लिए कर रहे हैं। लोगों में मिथ है कि 7 से 7 तक वो गाड़ियाँ लेके निकल सकते हैं। मैं ये क्लैरिटी देना चाहूँगी कि 7 से 7 के बीच में कोई भी नई गाड़ी परमिटेड नहीं है, सिर्फ आपातकालीन स्थिति के अंदर गाड़ियाँ निकाली जा सकती हैं, उसके अलावा अगर कोई भी गाड़ी निकलेगी तो उसको जब्त किया जाएगा। कर्फ्यू क्षेत्र में शराब की ठेके नहीं, कर्फ्यू क्षेत्र में कोई शराब का ठेका नहीं, कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा बिल्कुल कंटेनमेंट जोन के अलावा और कर्फ्यूग्रस्त एरिया के अलावा जो है नगर निगम की सीमाओं के अंदर और बाकी जो है उसके बियॉन्ड जो खरीदने आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की जानकारी, वो तो उनका आत्मसंयम के ऊपर है, वो तो उनके आत्मसंयम के ऊपर है, आते इंसान खुद बनाता है। हम लोगों का तहवा है अगर ये पब्लिक में पिएंगे तो भी हम इन पर कार्रवाई करेंगे, व्हीकल्स इनको बिल्कुल परमिटेड नहीं होंगे, बैठ के ये यहाँ पर नहीं पी पाएंगे, तो वो जो कानून की चीज़ है वो ये है, ये इनकी मर्जी के ऊपर बिल्कुल काटे जाएंगे। बिना मास्क के जो रहेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसको बुक भी किया जाएगा, और अगर जुर्माना वाला अध्यादेश आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके जुर्माने भी किए। अभी सर इस गोले के हिसाब से कर रहे हैं, गोले मान के सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इसका टाइमिंग है, और कस्टमर को 2 बोतल से ज़्यादा अलाउ नहीं है, और एक एक करके आदमी को वे कर रहे हैं और लॉकडाउन का सही पालन कर रहे हैं। सर अनासागर चौपाटी वैष्णव नगर रोड पे है, और हम 4 आदमी हैं, और हम हिसाब से 6 फीट की दायरे से हम कर रहे हैं ग्राहकी। आपका नाम? सर मेरा नाम राजेश कुमार। आज जैसे राज्य सरकार के आदेश अनुसार शराब की दुकानें गवर्नमेंट ने खुलवा दी है और पूरा व्यवस्था पूरा काम चल रहा है, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है, सिर्फ 5-5 ग्राहकों को ही अनुमति दी जा रही है, और पूरी सहयोग से पूरे कॉपरेट से बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है। शराब की दरों की वृद्धि बढ़ोतरी भी हो गई है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है हमें। किस जगह दुकान है आपकी? ये हम राजा साइकिल चौराहे पे खड़े हैं, और आपके जो सेल्समैन हैं उन्होंने पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन है, पूरा जो भी मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह सब सैनिटाइजर वगैरह की पूरी व्यवस्था है। गिरीश रंगवाली।